मरहुमा जुलेखा खातून की शादी आज से 14 वर्ष पहले मीनार मंसूरी के जो शुक्रहुटू के रहने वाले थे उनसे हुई थी, और उन लोगों के दो औलाद भी हैं अभी। घर में विवाद और आपसी झगड़ा, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस हम बोलते हैं, ये लगातार बीच में चल रहा था। समाज के लोग, समाज सेवी, ससुराल के लोग भी, सारे लोगों ने मिलकर कई बार इन लोगों के बीच के तनाजा को ख़त्म करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन मीनार मंसूरी ने किसी की बातों को ध्यान नहीं दिया और सब सारे के बातों को नज़रअंदाज कर दिया। कल की रात शायद जुलेखा के लिए अंतिम रात थी, और गुस्सा में आकर इसने अपने घर में ये जो तलवार देख रहे हैं इसको निकाला, जो काफ़ी शार्प और तेज़ तलवार था धार इसकी, और उससे जब वो सोई हुई थी 1:30 बजे रात को, उसने गर्दन पर इतना ज़बरदस्त वार किया कि गर्दन इसका सर से अलग हो गया और वो अल्लाह के प्यारी हो गई। इसी जुर्म में जब इसको हम लोगों को जब जानकारी हुई, तो हम लोगों ने जो रातों रात जब भागने की कोशिश कर रहा था, तो हमारे थाना प्रभारी, हमारे सब इंस्पेक्टर ने मिलकर उसे गिरफ्तार किया और माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग उपस्थापित कर रहे हैं जो भी साक्ष्य उपलब्ध हुआ है, और ताकि ऐसे लोग की कड़ी से कड़ी सजा हो सके और समाज में भी ये मैसेज जरूर जाए कि आपसी घरेलू विवाद इतना नहीं बढ़ जाए लोगों के बीच में, ताकि जिसका अंत मौत हो, चाहे जिसकी भी हो, इससे लोग ज़रूर परहेज करें। हमारा लोगों से यही इल्तजा है, अगर ढंग की इस तरह की बातें अगर घर परिवार में या समाज में अगर चल भी रही हो, तो आपके माध्यम से हम अनुरोध करेंगे लोगों से कि वो थाना तक के बात को ले आएँ, हम लोगों के बात तक लाएँ, ताकि हम लोग मिल बैठ के उनके बातों को समझा बुझा के उनकी बीच की दूरियों को हम लोग कम करें और वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।